कली एवं कल्कि के बीच युद्ध आरंभ हो चुका है, परंतु ये युद्ध गोले बारूद वाला नहीं, बल्कि ये युद्ध विचारों का है, धर्म का है, सत्य एवं न्याय का है। भविष्य मालिका के ग्रंथों में संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, ये जितने भी गैर सनातनी मजहब हैं, ये सब कली के उपज हैं, जिनका अस्तित्व केवल कलयुग तक ही सीमित है, और इन्हीं के माध्यम से कली सनातन को समाप्त करने का प्रयास करेगा। साथ में ये भी कहा था कि जैसे ही 2 नवंबर के दिन शनि का मीन राशि में प्रवेश होने का प्रक्रिया शुरू होगा, ये अधर्मी भयंकर उत्पात मचाना आरम्भ कर देंगे। और हुआ भी वैसा। कैनेडा में खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर और हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया है, परंतु चिंता मत कीजिए, क्योंकि दिया बुझने से पूर्व जोर से फड़फड़ाता है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। जय जगन्नाथ। कनाडा, ये नाम और ये प्रोनाउंसिएशन कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि भारत में अनेकों पंजाबी एवं हरियाणवी टीवी सीरियल्स में, यहाँ तक कि पंजाब एवं हरियाणा पर केंद्रित फिल्म्स में कनाडा का बड़े स्तर पर गुणगान किया जाता है, ताकि भारत के नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कनाडा आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये ब्रेन वॉशिंग तब आरंभ हुआ जब कनाडा में स्किल्ड लेबर्स का भारी शॉर्टेज पैदा हुआ, और इसी को पूरा करने के लिए कनाडा ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से US के सहायता से एवं भारत के मीडिया तथा फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा अपना प्रोपेगेंडा फैलाना आरंभ कर दिया। कनाडा US का एक रिमोट स्टेट है, यानी पालतू कुत्ता है, जिसका अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि ये छोटा सा भूखंड US के साथ अपना सीमा साझा करता है, यानी US का पड़ोसी देश है, और यदि यह भूखंड US के नियंत्रण से बाहर चला गया तो US के लिए संकट पैदा हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आज भारत के पड़ोसी देश भारत के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। आज जिस प्रकार कनाडा में हिंदू सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश होने लगा है, कनाडा के हर क्षेत्र में हिंदुओं का कब्जा होने लगा है, US को ये डर सता रहा है कि कहीं कनाडा हाथ से ना निकल जाए और भारत का रिमोट स्टेट ना बन जाए। इसी डर के कारण ही US ने समाप्त हो चुके खालिस्तानी एजेंडा को पुनर्वार जागृत कर दिया है, और उसी के कंधों पर बंदूक रखकर भारत पर तथा हिंदुओं पर हमला करने लगा है। आज स्थिति इतना गंभीर बन चुका है कि कनाडा के हिंदू मंदिरों में शांति से पूजा पाठ कर रहे हिंदुओं पर ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा पुलिस के साथ मिलकर हमला करने में लगे हैं, और कनाडा का नशेड़ी गे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उनको पूर्ण समर्थन भी दे रहा है। परंतु इन मूर्खों को कौन समझाए कि इन्होंने जो आग लगाया है उसी आग में ये खुद जलकर भस्म होने वाले हैं, क्योंकि इस पृथ्वी का इतिहास साक्षी है, आज तक जिसने भी सनातन पर या भारत पर आंख उठाने का प्रयास किया है वो खुद अपने कुल समेत समाप्त हो गया है। 2 नवंबर के दिन से शनि का मीन राशि में प्रवेश होने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, जिसके विषय में मैं आपको बार बार अवगत करवा रहा हूँ, क्योंकि भविष्य मालिका में वर्णित तथ्य अनुसार अब कली एवं कल्कि के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनिए एवं समझिए। जहाँ कली नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, वहीं कल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और ये दोनों ऊर्जाएं हमारे अंदर उपस्थित हैं। इसी कारण आज कली एवं कल्कि के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है वो युद्ध गोले बारूद वाला नहीं, बल्कि ये युद्ध विचारों का है, धर्म का है, सत्य एवं न्याय का है। जहाँ कल्कि करोड़ों सनातनियों को सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से बल दे रहे हैं, वहीं कली उन करोड़ों अधर्मी एवं लेच्छों को नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से बल दे रहा है। इसी कारण इसे धर्म युद्ध कहना गलत नहीं होगा। परंतु आज ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है कि इन अधर्मी मलेच्छों का असली षड्यंत्र हर एक सनातनी तक पहुंच सके, ताकि हर एक सनातनी एकत्रित होकर इस धर्म युद्ध में सनातन को विजयी बना सके। पाकिस्तान भारत को समाप्त करना नहीं चाहता, बल्कि भारत के हिंदुओं को समाप्त करना चाहता है। चाइना भी भारत को समाप्त करना नहीं चाहता, बल्कि भारत के हिंदुओं को समाप्त करना चाहता है। US, UK, बांग्लादेश, ये सब के सब भी भारत को समाप्त करना नहीं चाहते, बल्कि भारत के हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि यदि सनातन को मिटाया नहीं गया तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा, यानी कलयुग के कली का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े विदेशी कंपनीज हैं, उनमें से अधिकतर संस्थाओं का नेतृत्व एक सनातनी ही कर रहा है। आज दुनिया में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन सब में बड़े बड़े पदों पर एक सनातनी ही बैठा है। आज दुनिया में जितने भी शक्तिशाली देश हैं, उन सब के संसद में अनेकों सनातनी सांसद भी उपस्थित हैं। यानी चित्र स्पष्ट है कि आज सनातनी पूरी दुनिया पर धीरे धीरे अपना राज स्थापित करने लगे हैं।
और ऐसे स्थिति में सनातन विरोधियों को मिर्ची तो लगेगा ही। 29 मार्च 2025 डेट लिख कर रख लीजिए। हर एक सच्चे सनातनी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होगा, जो ऊर्जा उसे आने वाले समय में इस अंतिम धर्म युद्ध में विजयी होने के लिए सहायता करेगा, और उस ऊर्जा का स्रोत होंगे स्वयं अंतिम अवतार कल्कि। क्या आप बता सकते हैं कि इन खालिस्तानियों ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री जी का हत्या किया था? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि दुनिया का कौन सा आइलैंड देश सबसे तीव्र गति से डूब रहा है। सही उत्तर है तुवालु, विजेता है प्राची प्रिया। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।